हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जिसने पहले तो आप सब्सक्राइब करो, जिसने सब्सक्राइब नहीं कराया है मेरा चैनल। एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में जैसे बताया आपको कि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये चैलेंजिंग वीडियो है। तो आज का हमारा 24 आवर्स का चैलेंज है। और वो क्या चैलेंज है, मैं आपको आज का चैलेंज है हमारा 4 मील चैलेंज है प्लस डेजर्ट। तो हमें 100 रुपीज़ मिलेंगे इस चैलेंज के लिए, जिसमें हमें अपनी सारी मील्स और डेजर्ट कंप्लीट करना है। तो अब देखते हैं मैं ये कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले मैं आपको रूल बताती हूँ। रूल नंबर 1 है कि हमें पूरी 4 मील लेनी है, ब्रेकफास्ट लंच स्नैक्स और डिनर प्लस डेजर्ट। और बजट हमारा 100 रुपये का है। एंड मैंने बजट बनाया है ब्रेकफास्ट 20 रुपीज़, लंच 40 रुपीज़ एंड स्नैक के 15 रुपीज़ प्लस 25 रुपीज़ डिनर के हैं, जिसमें डेजर्ट इंक्लूडेड है। सो अब हम इस जो हमारा बजट बना है, हम उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, बट हम उससे कम कर सकते हैं। वैसे मेरा टारगेट यही है कि मैं 100 से भी कम में अपना ये पूरा मील कंप्लीट करूं। एंड फोर्थ रूल ये है कि हमें ना बार्गेन नहीं करना। हम बाहर जाएंगे, चाहे हम स्ट्रीट फूड खाएं या कुछ भी खा रहे हैं, हम उनसे कम नहीं कराएंगे। जो उसका एग्जैक्ट प्राइस है, हमें वही देना है। सो ये थे मेरे रूल। अब देखते हैं कि मैं इसको किस तरह से करती हूँ। और अभी सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं प्लान करूँ कि मैं 11:30 तक अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लूँ। तो चलते हैं, देखते हैं मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाने वाली हूँ। बाय। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का बजट। और इसी 100 रुपये में मुझे अपना ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स एंड डेजर्ट एवरीथिंग इसी में ही करना है। सो गाइज, मैंने अपना ब्रेकफास्ट प्लान करा है। ब्रेकफास्ट का बजट है 20 रुपीज़। सो मैंने बहुत सोचा, और 20 रुपीज़ में हम 2 अंडे ले सकते हैं। तो मैं अपने आज के ब्रेकफास्ट में 2 ऑमलेट खाऊंगी। सो लेने चलते हैं, देखते हैं कितने के हैं। मुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि कितने के आएंगे। 7 एंड 8 रुपीज़ समथिंग। अंडे कितने के हैं? 7 रुपये का एक अंडा। 2 अंडे दे देना अंकल। 20 रुपये की लिमिट है, हम ब्रेड भी नहीं ले सकते। और आज मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि ब्रेड मतलब खुली भी मिलनी चाहिए हमें, कुछ पीसेस। अगर हम पूरी ब्रेड नहीं खा सकते, या मेरे जैसे लोग जो चैलेंजेस कर रहे हैं, जिनका बजट कम है, तो वो ब्रेड नहीं खा पाएंगे। सो गाइस, मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, और ये रहे हमारे बाकी के बचे पैसे। 76 रुपीज़ है, क्योंकि 14 रुपीज़ के एग आ गए हैं। अब बाकी अब हम देखते हैं। अब इसके हमारे पास 6 रुपीज़ बचे हैं, जो हम बाकी के किसी मील में ऐड ऑन कर सकते हैं, और बच गए तो और अच्छा है। और मैं आपको एक और रूल बताना चाहती हूँ कि हमारी इस वीडियो का एक और रूल है। अगर हम कुछ घर में खाना बना रहे हैं, तो हम एडिशनल कुछ भी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया, समथिंग कुछ ऐसा, मतलब कुछ प्याज, आलू, कुछ भी यूज़ नहीं। ऑमलेट बनाने वाली हूँ, और मैं उसमें सिर्फ नमक और मिर्च, यही 2 चीज़ें यूज़ करने वाली हूँ, और बाकी कुछ भी यूज़ नहीं करने वाली, क्योंकि वो सब मेरे बजट में नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लिया है, और अभी 11:15 हो रहे हैं, तो हम अपने टाइम से 15 मिनट पहले चल रहे हैं। गाइज, हम लंच के लिए निकल चुके हैं, और लंच के लिए हम लेट हो चुके हैं, क्योंकि 2 बज चुके हैं। तो अभी हमें ऐसा कुछ ढूंढना है जो अंडर 40 रुपीज़ हो। और अभी हमें हमारे सुबह के 6 रुपये भी बचे हैं, तो हम 46 का भी मतलब उसके अंदर भी कुछ ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि हमें क्या मिलता है खाने के लिए अंडर 40 रुपीज़। सो गाइज, यहाँ पे हमें छोले चावल हैं, जो हमें 35 रुपीज़ के मिल रहे हैं, और छोले भटूरे 40 के। तो मैं छोले चावल खाना चाहूँगी, इससे मेरा बजट थोड़ा ठीक रहेगा। तो 35 रुपीज़ के मैं छोले चावल ले रही हूँ। गाइज, मेरे छोले चावल आ गए हैं, और क्वांटिटी भी अच्छी है, तो मेरा पेट भर जाएगा, मेरा अच्छे से लंच हो जाएगा। और मैं छोले भटूरे इसलिए नहीं खाना चाहती, क्योंकि मैं थोड़ी डाइट कंट्रोल कर रही हूँ, तो ऑयली खाना अवॉइड कर रही हूँ।
तो छोले चावल उससे बेटर है भटूरे खाने से। और मेरा लंच का 40 का बजट था जिसमें से मैंने 35 रुपीज़ स्पेंड कर रही हूँ, सो 5 रुपये मेरे फिर बच गए हैं जो कि मैं डिनर में ऐड कर सकती हूँ। मेरा बजट अच्छा चल रहा है तो मैं अब डिनर थोड़ा और हैवी कर सकती हूँ, कुछ और अच्छा कर सकती हूँ। गाइस मेरा लंच हो गया और मेरा पेट बहुत ज़्यादा भर गया है और इतना छोले चावल मुझसे खाया नहीं जा रहा। मैं बहुत दिन बाद इतनी हैवी डाइट ले रही हूँ, मींस चावल बहुत दिन बाद मैं इतना ज़्यादा क्वांटिटी में चावल खा रही हूँ तो मुझसे खाया नहीं जा रहा, तो मेरा पेट भर चुका है और इसको मैं पैक करा के लेके जा रही हूँ घर। अगर मुझे आधे घंटे तक में भूख लगी तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाऊंगी। मेरा लंच डन है, 35 रुपीज़ में मेरा लंच हो गया है और मैं बहुत खुश हूँ। और ये छोले चावल बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, इसके साथ हमें अचार और सलाद सब कुछ दिया चटनी के साथ, तो बहुत अच्छे थे छोले चावल। तो ये मौजपुर में ही किसी एक ठेला एंड शॉप समथिंग कोई है जहाँ से हमने खाया और बहुत ही अच्छी क्वालिटी थी, बहुत ही अच्छा और टेस्टी खाना था। थम्स अप ये छोले चावल के। सो गाइस 6 बज गए हैं, हमारा स्नैक टाइम हो गया और अभी हमने एक स्टॉल ढूंढा है जिसमें बर्गर कितने का है अंकल? 15 का बर्गर है, पनीर बर्गर जो मैं अपने स्नैक्स में खाने वाली हूँ। तो 15 का ही हमारा बजट था और हमने 15 में ही अपना स्नैक कंप्लीट किया। कर रहे हैं हाँ। बहुत टेस्टी बर्गर था लेकिन मुझे और भूख लग गई है, लेकिन अभी के लिए थम्स अप। सो गाइस हमारे पास 51 रुपीज़ बचे हैं 100 रुपीज़ में से, जिसमें से मैंने 15 का स्नैक कर लिया है। और थर्टी फाइव रुपीज़, तो भैया ने मुझे 35 रुपीज़ रिटर्न किए और 1 रुपये मेरे पहले का था, तो मेरे पास टोटल 36 रुपीज़ है जिसमें से 25 का हमें डिनर प्लस डेजर्ट करना है। तो अब देखते हैं हम डेजर्ट में क्या खाते हैं और हम डिनर में क्या खाते हैं, हमारा बजट ज़्यादा होता है या हमारा बजट कम होता है। सो गाइस मैं अपना डेजर्ट लेने के लिए आई थी तो डेजर्ट का 10 रुपये का बजट है और मैंने 10 रुपये में सोचा है मैं लड्डू लूँ, बेसन का लड्डू। तो मैंने अपने डिनर डिसाइड किया है कि मैं मैगी खाने वाली हूँ अपने डिनर में। तो कितना बजट था डिनर का? 25 टोटल और बचे 15, तो 15 में से हमने 12 की मैगी ली है। तो गाइस मेरा डिनर तैयार हो रहा है और मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ क्योंकि 9 बज चुके हैं, क्योंकि मैंने अभी अभी पावर नैप लिया 1 घंटे का, तो मैं डिनर के लिए लेट हो गई। अब जल्दी से मेरी मैगी बन जाएगी, मैं वो खा लूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी कि मेरा बजट क्या रहा, मैंने कितने पैसे आज पूरे दिन में स्पेंड करे और मतलब मेरा बजट 100 से बाहर गया है या उससे अंडर में हो गया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। कर जल्दी
तो गाइस मेरा डिनर तैयार है और अब मैं इसको खाने के बाद आपको अपना बजट जरूर बताऊंगी कि क्या रहा। सो गाइस मेरा डिनर हो गया और अब मैं डेजर्ट खाने वाली हूँ। तो डेजर्ट में हम लाए थे बेसन का लड्डू, मेरे को बहुत भूख लग रही है और इसकी भूख ज़्यादा लग रही है। मुझे किसी टाइम तो इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी स्नैक्स के बाद डिनर के लिए, बट मैगी खा के बहुत अच्छा फील हो रहा है और उसके बाद ये लड्डू मिल जाए तो उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सो गाइस बहुत 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 यम लड्डू था ये। अब मेरा पेट एकदम भर गया है और मुझे बहुत मज़ा आया ये चैलेंज करके। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना बजट। सो गाइस ये रहे वो चिल्लर जो बचे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने 14 रुपीज सेव करे तो 86 रुपीज में मैंने 24 आवर्स स्पेंड कर लिए। मेरा बजट बहुत ही अच्छा रहा। मेरा 100 रुपीज का बजट था जिसमें से कि मैंने 14 रुपीज बचा लिए और ये मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ। सो गाइज इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपना कम पैसों में भी गुजारा कर सकते हैं। जितना हम बाहर का खाते हैं पूरा दिन और हम सोचते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए बाहर का खाने के लिए, लेकिन हम स्ट्रीट फूड खा के भी, और अच्छा स्ट्रीट फूड की क्वालिटी कोई बुरी नहीं होती है। मैंने आज खाया और मुझे पता चला कि काफ़ी अच्छे रेट में अच्छा खाना आपको मिल सकता है। मैंने छोले चावल खाए थे लंच में जो कि बहुत टेस्टी थे और बर्गर भी अच्छा था। सो आपको अच्छा मिल सकता है। और डेजर्ट में भी एक लड्डू खाना कोई बुरा नहीं है 10 रुपये में। तो 86 रुपीज़ में मेरा पूरा दिन बहुत अच्छे से स्पेंड हुआ है। तो आप भी ऐसे अपना मनी सेव कर सकते हैं। चैलेंजेस आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं वो ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगी। आप कमेंट ज़रूर करना कि मैं कौन सा चैलेंज अब आपको दिखाऊँ। सो गाइज बाय बाय। और अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। शुभ रात्रि गाइज। Thanks for watching this video guys.